ठीक है। कीर्ति नील पांडे जी, बीजेपी ये आप दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई हमने जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, तब किया, सड़कों पर संघर्ष किया, उसको अब हम समापन की तरफ लेकर आए हैं और हमने ही कार्य संपन्न करवाया है। बिल्कुल कराया हम लोगों ने, निश्चित तौर पे कुर्बानियां दी है, जेल गए हैं, डंडे खाए हैं उन लोगों ने, जान की कुर्बानियां दी है। अशोक जी, मेरा सवाल कीर्ति निधि पांडे जी से। देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि हम मंदिर बनवाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट पे थी, फिर 200 पे आई, 300 पे आई और बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, क्या पार्लियामेंट के सदन से पास करके मंदिर बनवा रहे हैं? वही तो हुआ जो हम कहते थे। हम तो लगातार कहते थे कि आपसी भाईचारा देश में कायम रहे और जो कोर्ट का फैसला होगा उस आधार पर मंदिर बन जाएगा, जो कोर्ट का फैसला होगा उसको सब सिरोधार करेंगे और उसी फैसले के आधार पर आज मंदिर बन रहा। और मैं तो आश्चर्य में हूं कि राजू दास जी महंत है हनुमानगढ़ी के, मैं तो बड़ा आदर करता हूं, लेकिन राजू दास जी भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह प्रवचन कर रहे हैं। राजू दास जी को दिखाइए एक बार, राजू दास जी वो कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट का फैसला था ना, उनसे बीजेपी का फैसला थोड़ी ना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये तो वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। नहीं सुन तो लीजिए, सुनिए तो कीर्ति पांडे जी, कीर्ति जी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत सुंदर, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बना कर रखे, ऐसे ही ललकारते रहे, ऐसे ही धारते रहे। लेकिन विषय वो नहीं है, विषय ये है कि जब हमको जरूरत आपसे थी तब आप मेरे साथ नहीं थे, आप अयोध्या में निहत्ते राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये स्वीकार आप करिए, ये आप स्वीकार करिए। दूसरी बात, जब आपकी शासन सत्ता, आपकी सरकार थी, 84 कोसी परिक्रमा में आपने कितने डंडे मारे, आपने साधु संतों को रखा, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। हम ये नहीं कहते हैं भगवान राम किसी एक दल के, तमाम साधु संत पार्टी के, समाजवादी पार्टी के साथ देखो तो राम के आंदोलन से शुरू हुई ये सियासत अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और जाहिर तौर पर 2024 में भी ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त इतना ही था तो इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।